सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल टेक सपोर्ट इन हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज यहां पर सीखेंगे कि किस तरह से हम निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे जल्द से जल्द क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ठीक इसी के बगल में बेल का आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र को हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रार्थी का नाम। तो यहाँ पर नाम डाल लीजिए, पिता का नाम डाल लीजिए, यहाँ पर माता का नाम डाल लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जन्म का स्थान सेलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स मकान नंबर सेलेक्ट कर लेना है, आपका मोहल्ला क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है, जनपद सेलेक्ट कर लेना है, तहसील कौन सा है फ्रेंड्स इसको सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो थाना है वो सेलेक्ट कर लीजिए, अपने गांव को सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है या नहीं तो इसको नहीं कर दीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है आवेदन का भुगतान आपने कर दिया है तो यहाँ पर नहीं। उसके बाद जो भी आपके संलग्नक है आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म हमने कम्प्लीट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म हमारा कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर संलग्नक यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा, इसको हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है, हम यहाँ पे जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। चलिए ब्राउज, यहाँ पे डिस्क्लेमर अपलोड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल हमें अन्य पर जाना है क्योंकि अभी आधार कार्ड के लिए लिस्ट अभी इसमें नहीं दिया है। देखिए आधार कार्ड का यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं दिया है तो आपको अन्य सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड आपका स्कैन कॉपी है आपको अपलोड कर लेना है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आधार हो या फिर आपका जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, 100 किलोबाइट के अंदर होना चाहिए, फोटो आपका 20 किलोबाइट के अंदर होना चाहिए। तो चलिए आधार कार्ड को अपलोड कर लेते हैं। तो आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। तो कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर दर्ज करें पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही दर्ज करें पर क्लिक करेंगे आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर दर्ज करें पर क्लिक करके इसका फीस जो है वो आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। फीस जो भी आपका है उसको पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने जाति निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।